वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी को अमृत प्रदेश बनाने में जुटी बुंदेलखंड की 40,000 महिलाएं। योगी सरकार में प्रदेश को उत्तम और अमृत प्रदेश बनाने में स्वयं सहायता समूह बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये बात बुंदेलखंड में पिछले 11 वर्षों से फेल चल रही दुग्ध समितियों की जगह बलिनी दुग्ध उत्पादन कंपनी की कमान संभाल रही स्वयं सहायता समूह के जरिए महज 2.5 साल में प्राप्त 16.2 करोड़ के लाभांश से कही जा सकती है, जबकि कंपनी ने 2.5 साल में करीब 278 करोड़ का कारोबार किया। इतना ही नहीं, 40,000 महिलाएं कंपनी से जुड़कर आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। वहीं वर्ष 2022-23 में 12,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। LGA के फ्लैट की बुकिंग में अब नहीं चलेगा कोई खेल, अब होगी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैट की बुकिंग में अब कोई खेल नहीं चलेगा। पहले आओ पहले पाओ योजना के फ्लैट की अब सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। नई व्यवस्था सोमवार यानी 8 अगस्त से शुरू होगी। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई कि LGA के लोग ही अच्छे फ्लैट दबा जाते हैं और बाद में इसके जरिए कमाई का खेल किया जाता है। नई व्यवस्था से इस पर लगाम लगेगी। इसके अलावा फ्लैट लेने के लिए लोगों को भी बार बार LGA के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। IIT के 6 स्टार्टअप को सरकार करेगी अपग्रेड, रोबोटिक्स और AI जैसे क्षेत्रों में करेंगे काम। IIT के 6 स्टार्टअप को भारत सरकार अपग्रेड करेगी। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने इन्हें चयनित किया है। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IIT मिनिस्ट्री की ओर से इन्हें 40-40 लाख का बजट दिया जाएगा। इस काम में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ अन्य विशेषज्ञ भी मदद करेंगे। ये सभी स्टार्टअप रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, हेल्थटेक के साथ दिव्यांगों की समस्याओं को दूर करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में वाराणसी ने बरकरार रखा ODF++ का दर्जा, खुले में शौच से मुक्त। बनारस को खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र के तौर पर सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है। बनारस ने ODF++ की श्रेणी में अपना दर्जा बरकरार रखा। साल 2020 में बनारस को पहली बार ये रैंकिंग मिली। ये घोषणा शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की श्रेणी की जारी रैंकिंग में की गई। मई जून 2022 में मंत्रालय की टीम ने शहर में सर्वेक्षण किया था। ODF++ का दर्जा मिलने के कारण शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के मुख्य परिणाम में भी बेहतर रैंकिंग की उम्मीद जगी है। सभी स्कूल्स में सोमवार तक छुट्टी, ऑटो ई रिक्शा भी नहीं चलेंगे। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए DM ने सभी स्कूल्स की सोमवार की छुट्टी कर दी। रविवार को तो अवकाश है ही, ऐसे में अब 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। शुक्रवार को काफी संख्या में कांवड़ियों के गुजरने से कई स्कूल्स के बच्चों को घर पहुंचना मुश्किल हो गया। स्कूली बच्चों को जाम के चलते काफी दुश्वारियां हो रही हैं। कुछ स्कूल संचालकों ने शुक्रवार को भी छुट्टी रखी, पर कुछ स्कूल खुले रहे, इससे बच्चों को परेशान होना पड़ा। 917 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 23 अगस्त तक अप्लाई करने का मौका। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की लास्ट डेट 23 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी। ऐसे में यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन से चूक गए अभ्यर्थियों के पास अभी सुनहरा अवसर है। UPHEC के अनुसार प्रदेश 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में हिंदी अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों के सहायक प्राचार्य के 917 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इस भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 9 जुलाई 2022 से आज तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पूरे प्रदेश में करेंगे धरना प्रदर्शन, अयोध्या और मथुरा से होगी आंदोलन की शुरुआत। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी मांगों पर विचार न किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शनिवार को लखनऊ स्थित प्रधान कार्यालय संघ भवन में बैठक कर पदाधिकारियों ने आंदोलन की रणनीति पर विचार किया। तय हुआ कि आज से प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में जन जागरण मीटिंग कर लंबित मांगों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। कर्मचारी महासंघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत मिश्र ने बताया कि आज से 6 सितंबर तक जन जागरण मीटिंग होगी। रेलवे फिर चलाने जा रहा वाराणसी रांची एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे कोरोना काल में बंद की गई ट्रेन को लगातार पुनर्बहाल कर रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी से रांची के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन का भी परिचालन बहाल किया जा रहा है। इस ट्रेन के परिचालन शुरू हो जाने से रांची से वाराणसी के बीच आने जाने वालों को काफी सुविधा होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन नंबर 1861/1812 रांची बनारस रांची एक्सप्रेस रांची से 21 अगस्त 2022 से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को तथा बनारस 20 अगस्त 2022 से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सप्ताह में 5 दिन चलाई जाएगी।
यूपी के एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन चढ़ा तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोपहिया वाहनों का चलना मना है, फिर भी लोग अलग अलग एंट्री पॉइंट से अपने दोपहिया वाहन लेकर एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं। इन वाहनों की वजह से एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े वाहन तेज गति से एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं। इसी वजह से दोपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा अधिक बना रहता है। इस मामले में ट्रैफिक एसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि अब जो भी दोपहिया वाहन मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चलता हुआ पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में जुर्माने की राशि 20,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा दोपहिया वाहन को सीज भी किया जाएगा। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 दिन मानसून सक्रिय, होगी जमकर बारिश। सीएससी के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि अगले 72 घंटों तक यानी 3 दिन के लिए मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में जमकर बारिश की संभावना जताई जा रही है। टर्फ लाइन में विचलन हो रहा है, लेकिन अभी भी इसका असर इस क्षेत्र में बना रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार पारा 36 डिग्री तक जा सकता है और बादलों की आवाजाही रहेगी। पर्यटन स्थल पर कैरेवान, मोटर होम और पार्क की सुविधा मिलेगी। यूपी घूमने वालों के लिए प्रदेश सरकार खास सुविधा देने की तैयारी कर रही है। बड़े पर्यटन स्थल पर लोगों के ठहरने के लिए सरकार कैरेवान, मोटर होम और पार्क की सुविधा देगी। इस व्यवस्था में तत्काल तैयार किया गया एक घर होता है। इससे पहले 4 धाम यात्रा के लिए ये सुविधा देने की बात हुई। कैरेवान में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसमें सोफा, कम बेड, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के साथ डाइनिंग टेबल वगैरह होंगे। शौचालय भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसमें एयर कंडीशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो सर्विसेज, चार्जिंग सिस्टम और जीपीएस जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं होंगी। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर बनाने के लिए डेलॉयट इंडिया के साथ करार। उत्तर प्रदेश सरकार और डेलॉयट इंडिया संस्था के बीच एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर हुए। सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक लाने के लिए संस्था को हाल में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कंसल्टेंट एजेंसी डेलॉयट इंडिया उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हुए। बयान में कहा गया कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, बैंक परिसरों में बिकेंगे यूपी के ओडीओपी उत्पाद। आपको वो खूबसूरत गुलाबी मीनाकारी कफलिंक और ब्रोच सेट याद है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दिया था। वाराणसी के इस तरह के प्रोजेक्ट अब उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अगले संस्करण का मुख्य आकर्षण बन रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि यूपी सरकार अब राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन और बैंक परिसरों में ODOP उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवे और बैंकों के साथ गठजोड़ कर रही है। डीबीटी में नया रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर यूपी, योगी सरकार की होगी बड़ी उपलब्धि। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य जल्द ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने के रिकॉर्ड आंकड़े को छूने जा रहा है। यूपी सरकार के 30 विभागों ने केंद्र और राज्य प्रायोजित 168 योजनाओं के तहत करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे हैं। यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अब तक 2.93 लाख करोड़ रुपए से अधिक डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत। यूपी सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगा, बल्कि इससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दुगनी होगी। ये किसानों को संजीवनी के रूप में काम करेगी। गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने पंचामृत नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा, ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरीगेशन, मल्चिंग और सह फसल शामिल है। यूपी में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए लखनऊ, वाराणसी और अमेठी के लिए नोटिफिकेशन जारी। अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी हो रही अग्निवीरों की भर्ती के लिए यूपी के विभिन्न जिलों के लिए लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रही हैं। इस क्रम में राज्य के 36 जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली के नोटिफिकेशन जारी किए गए। हालांकि लखनऊ आरओ हेडक्वार्टर ने अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अगस्त 2022 से शुरू कर दी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंबेडकर में बुनकर होंगे सम्मानित, महिला मोर्चा तिरंगा फहराने के लिए करेंगी जागरूक।
भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रिंकल सिंह ने महिला मोर्चा की बहनों का आवाहन करते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में भाजपा की बहनें 7 अगस्त को क्षेत्र के बुनकर बंधुओं को सम्मानित करने, 11 अगस्त को अपना घर परिवार छोड़कर जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन बांधकर उनकी कुशलता की कामना करेंगी। उन्होंने कहा कि बहनें हर घर तिरंगा फहराए जाने के लिए 13 और 14 अगस्त को जनजन में तिरंगा फहराए जाने की जागरूकता लाने के लिए प्रभात फेरी निकालने और 13 से 15 अगस्त तक बूथ स्तर पर झंडा फहराने का कार्य करेंगी। प्रयागराज में रोज मिल रहे 20-25 नए कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस को हल्के में ना लें क्योंकि ये अभी पूरी तरह से गया नहीं है। प्रयागराज में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। यहां प्रतिदिन 20 से 25 नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। अगस्त माह के पहले सप्ताह में ही संक्रमितों की संख्या में दुगनी वृद्धि हो गई। 31 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 92 रही तो वहीं अगस्त के पहले सप्ताह में ये संख्या बढ़कर 128 हो गई। अच्छी बात यह है कि कोरोना के जो नए संक्रमित मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं है। जन शिकायतों के निस्तारण में अमरोहा प्रदेश में नंबर 1, प्रयागराज दूसरे स्थान पर। जन शिकायतों के निस्तारण में जनपद इस माह प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। पिछले महीने चौथे स्थान पर था लेकिन इस बार अधिकारियों ने शिकायतों के समाधान में तेजी दिखाई और पहले स्थान पर जिले को पहुंचा दिया। प्रदेश सरकार के IGRS पोर्टल पर वर्ष 2017 से अब तक जिले में 27,741 शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई थी। इनमें से 27,133 का निस्तारण अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया। विभिन्न विभागों की केवल 608 शिकायतें ही अभी लंबित हैं। इस संबंध में SDM सदर अनिल कुमार ने बताया कि जन शिकायतों के निराकरण में जुलाई माह में जनपद चौथे नंबर पर था लेकिन अगस्त माह में प्रदेश में पहले नंबर पर आ गया है। कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल महंगा। देशभर में कल 6 अगस्त के पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य प्रणाली पर आधारित हैं और इसलिए इसे नियमित आधार पर संशोधित किया जाता है। ये प्रणाली कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर और कानपुर में डीजल पेट्रोल के दामों में थोड़ी बढ़त हुई। कल शनिवार को रेट में कुछ इजाफा हुआ। तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में कल से पेट्रोल 96.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.64 रुपये प्रति लीटर है। चल सकती है द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होने वाले द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं टल सकती हैं। 13 अगस्त से प्रस्तावित परीक्षा के लिए अब तक परीक्षा केंद्र ही तय नहीं हुए हैं। 99,000 छात्रों में से केवल 7-8,000 छात्रों के ही परीक्षा फॉर्म भरे गए। ऐसे में परीक्षाएं घोषित तिथि से शुरू करवाना विश्वविद्यालय के लिए चुनौती हो सकता है। घर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर झंडा अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को झंडा लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को NRLM उपायुक्त RB यादव ने झंडा दिखाकर रवाना किया। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं की टीम को झंडा दिखाकर रवाना किया गया जो गांव में घर घर जाकर लोगों की इस अभियान के बारे में बताएंगी और लोगों को घर पर झंडा लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। सावन के चौथे सोमवार पर 3 दिन नहीं दौड़ेंगे भारी वाहन। सावन के चौथे सोमवार के लिए कांवड़ यात्रा को लेकर 3 दिन तक रूट डायवर्ट रहेगा। भारी वाहनों की एंट्री श्रद्धालुओं के रूट पर नहीं होगी और उन्हें काफी घूमकर अपने गंतव्य की ओर जाना होगा। शनिवार से कांवड़ यात्रा में और भी अधिक तेजी हो गई है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए इस बार प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए देने होंगे 610 रुपए। अगर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार के जरिए चित्रकूट से इटावा तक सफर करना चाहते हैं तो आपको एक तरफ के 610 रुपए खर्च करने होंगे। ये एक्सप्रेसवे पर लगने वाला टोल है। अभी इस एक्सप्रेसवे पर मुफ्त यात्रा चल रही है पर सरकार जल्द 14,800 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर टोल लगाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPIDA ने टोल की दरें तय कर दी हैं। यूपी सरकार ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी अन्य एक्सप्रेसवे की तरह टोल में 25% तक की छूट देने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा विधायकों की खरीद फरोख्त का बोझ जनता पर डाल रही BJP। एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक अखबार की खबर का जिक्र करते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा के राज में कमाई घट रही है और महंगाई के साथ ही लोन पर EMI बढ़ी है। आज जनता का दुख दर्द इतना बढ़ गया कि अगर भाजपा सरकार उस पर टैक्स लेने लगे तो उसे किसी और टैक्स की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारों की खरीद फरोख्त में लगी भाजपा अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर डाल रही है, निंदनीय। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।